टॉप थ्री में आपको यहाँ पर ऐसे थीम सजेस्ट करने वाला रियलमी के डिवाइस के लिए, जिनमें आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। यूनिवर्सल थीम में आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, सेटिंग का यूआई, साथ साथ नोटिफिकेशन पैनल, इन सभी चीजों में आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। कुछ ऐसे थीम आपको यहाँ पर इस वीडियो में सजेस्ट करने वाला, वीडियो को जरूर से लाइक करना अगर अच्छी लगती हो तो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट वाला जो थीम है हमारे पास, ये थीम मेरा फेवरेट थीम है, क्योंकि इसमें जो चेंजेस देखने को मिल जाते हैं आपको वो काफी गजब के। यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन पैनल आपको कुछ इस टाइप को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद में होम स्क्रीन कुछ इस टाइप के आइकॉन बैक्स में आपको डेफिनेटली यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलने वाले। मेन चीज वॉल्यूम कंट्रोल पैनल की अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप का आपको वॉल्यूम कंट्रोल पैनल जो है इस थीम के साथ देखने को मिल जाता है। और भी काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर रियलमी का डायलर यूज़ करो तो रियलमी के डायलर में भी आपको डेफिनेटली यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलने वाले। सिंपली हम यहाँ पर जंप कर लेते हैं सेटिंग में, एंड सेटिंग का यूआई आप तो देख ही सकते हो कुछ इस टाइप का आपको कम्प्लीटली गजब एंड कस्टमाइज जो सेटिंग का यूआई है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन जो इस थीम के साथ आपको देखने को मिलने वाले हैं। लॉक स्क्रीन में यार काफ़ी गजब की कंप्लीट एक आपको गेमिंग वाला लुक जो इस थीम के साथ देखने को मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर ये जो सेकंड थीम है, ये भी थीम काफ़ी गजब का, एंड सेम यहाँ पर डिजाइनर है, उसी डिजाइनर ने इस थीम को डिज़ाइन किया है। देख सकते हो आप इसके जो लॉक स्क्रीन है वो काफ़ी गजब की एंड गेमिंग टाइप की आपको एक लॉक स्क्रीन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो हम सिंपली यहाँ पर डिवाइस को अनलॉक कर लेते हैं तो आप यहाँ पर आइकॉन पैक्स देख सकते हो, आपको कुछ इस टाइप के यहाँ पर जो सभी आइकॉन पैक्स जो इस थीम के साथ जो देखने को मिलने वाले, एंड कंप्लीट एक गेमिंग टाइप का आपको ये थीम देखने को मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें वॉल्यूम कंट्रोल पैनल की तो कुछ इस टाइप का आपको एक कंप्लीट वॉल्यूम कंट्रोल पैनल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल एंड जो स्टेटस बार है उसमें हुए चेंजेस। देख सकते हो आप काफ़ी सारे चेंजेस जो है आपको स्टेटस बार में एंड यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में देखने को मिलने वाले। अगर हम बात कर ले यहाँ पर सेटिंग के यूआई की तो कंप्लीट गेमिंग टाइप का आपको सेटिंग का यूआई जो है आपको यहाँ पर कम्प्लीटली देखने को मिल जाता है। ट्रांसपेरेंट सेटिंग का यूआई एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक बैकग्राउंड जो है आपको देखने को मिल जाता है। तो नेक्स्ट थीम में आपको कुछ इस टाइप की यहाँ पर लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि एक डायनामिक टाइप की लॉक स्क्रीन है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो यह है डायनामिक टाइप की लॉक स्क्रीन। और कुछ चेंजेस तो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाले। डिवाइस को अनलॉक कर लेते हैं, अनलॉक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का वॉलपेपर एंड आइकॉन पैक्स, मेन चीज़ नोटिफिकेशन पैनल में आपको चेंजेस यहाँ पर काफ़ी सारे देखने को मिलने वाले। और आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेटस बार में भी आपको चेंजेस जो वो भी यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिलने वाले। अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग में तो सेटिंग का यूआई यहाँ पर जो है कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। बैकग्राउंड आप देख सकते हो, मेन चीज़ ये जो थीम है कम्प्लीटली यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो इजीली आप इसको जो डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो इन तीनों भी थीम्स के आपको लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बस इस वीडियो को आपको लाइक करना है।